नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं प्रूफ के साथ आपके सामने लेके आया हूँ कि Quora.com को आप अपने YouTube के वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आपसे निवेदन करता हूँ कि YouTube के जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में ही कुछ प्रूफ्स दिखा देना चाहता हूँ। मैं अपने चैनल का जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैं उसके यूट्यूब स्टूडियो में गया हूँ। यहाँ पर मैं ओवरव्यू और रीच में आपको मैं जा कर के दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल मेरा जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। तो मेरा इसमें बहुत बड़ा पार्ट जो है वो Quora.com से है। 23.9% जो इसका पार्ट है वो Quora.com से मेरा ट्रैफिक आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि Quora.com को मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रैफिक लाने के लिए कैसे यूज कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको वन बाय वन प्रोसेस पूरा बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए मेरी ये पूरी वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक और प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैं अगर अपनी टॉप वीडियो देखता हूँ तो उसमें लिखी है हाउ टू मेक एनिमेशन लाइक MJO। तो मैं इस वीडियो को टॉप पर कैसे लेके आया हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं गूगल में आप एक मेरा जो वीडियो थी उससे रिलेटेड टर्म मैं यहाँ पर डालता हूँ, हाउ टू मेक एनिमेशन वीडियोज़ इन मोबाइल, और उसके सामने लिख देता हूँ Quora, Quora। अब आप कहेंगे कि ये Quora क्या है। तो ये Quora जो है Quora.com, ये क्वेश्चन आंसर एक वेबसाइट है। यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पर कुछ कम्युनिटी होती है जो वॉलंटियर उसमें आंसर करती हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन टाइप किया था तो सर्च रिजल्ट्स जो हैं गूगल के उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, और वो सभी क्वेश्चंस वो आएंगे जो Quora.com पर पूछे गए हैं। तो मैं ऑलरेडी किसी भी क्वेश्चन पे मैं क्लिक करता हूँ और वहाँ पर उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इसमें आप किसी भी क्वेश्चन पर आप क्लिक करते हैं तो आप Quora.com पर ये रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा जो जिस क्वेश्चन पे आपने क्लिक किया था। अब इसका आंसर देने के लिए आपको करना क्या होगा कि इसको आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के दो ऑप्शन हैं, गूगल के थ्रू और अपनी फेसबुक प्रोफाइल के द्वारा। तो मैं आपको गूगल के द्वारा ही इसको गूगल के द्वारा ओपन करके यहाँ पर आंसर कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर अपनी जीमेल की आईडी यहाँ पर डालता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ उसका पासवर्ड, जिससे कि मैं इसमें Quora.com में लॉगिन कर लूँ और क्वेश्चन आंसर का जो क्वेश्चन मैंने ओपन किया था उसका आंसर कर पाऊँ। तो आंसर मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे नेक्स्ट इसी वीडियो में बताऊँगा। मैंने 2-स्टेप वेरिफिकेशन लगाया हुआ है जीमेल अकाउंट पे, तो ये मैं अपने मोबाइल से ओके कर देता हूँ ताकि मेरा ये लिंक खुल जाए और मेरा Quora.com पर मेरा प्रोफाइल खुल जाए। तो दोस्तों मैंने जैसे ही इसको ओके किया मेरी प्रोफाइल यहाँ पर Quora.com पर ओपन हो जाएगी। Quora.com पर ओपन होने के साथ ही वो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है जो मैंने YouTube में सर्च किया था। अब मैं प्रोफाइल में जाकर के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो कर सकता हूँ। Quora.com पर यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी है। इस क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी रिप्लाई दे चुका हूँ तो इसमें यहाँ पर आंसर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं करूँगा क्या कि एक नेक्स्ट टैब में एक सेम ये टर्म्स लेकर के मैं दोबारा से क्वेश्चन सर्च करूँगा और मैं आपको आंसर देना बताऊँगा कि कैसे आप उसका आंसर करेंगे और आंसर देने का फ़ायदा क्या होगा। तो मैंने दूसरे क्वेश्चन पर मैंने क्लिक किया है तो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आंसर का ऑप्शन है। तो मैं आंसर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर नीचे डैशबोर्ड खुल जाएगा जहाँ पर मैं आंसर अपना टाइप कर सकता हूँ। तो मैं कॉपी ऑलरेडी किया है कोई आंसर, मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके साथ में मुझे ध्यान रखना है कि दोस्तों मेरा जो YouTube की वीडियो थी उसका मुझे लिंक यहाँ पर देना है। लिंक मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा हो या इस तरह के जो क्वेश्चन जो सर्च किए जाते हैं YouTube पर वो अगर इस आंसर पर आएँ तो उनको मेरी YouTube का लिंक भी मिल जाए। अब मैं इसको जैसे ही पोस्ट करता हूँ, पोस्ट करने के बाद में कुछ इस तरह से मेरा आंसर वहाँ पर दिखाई देगा। मेरा मतलब जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई देगा, यानी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा इस आंसर को पढ़ेगा तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि वो इस थंबनेल पर क्लिक करेगा। जैसे ही इस थंबनेल पर क्लिक करेगा तो वो पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि वो मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाए और वहाँ पर मेरी ये वीडियो देख सकें। मैं अपनी प्रोफाइल में जा करके इसके स्टेट्स भी चेक कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कितने लोगों ने अभी तक मेरा ये चैनल या मेरे आंसर्स को देखा है। तो 1.11K मेरा यहाँ पर अभी तक हुआ है, यानी कि इतना ट्रैफिक मैं अपनी यूट्यूब पर यहाँ से ले जा चुका हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह की वीडियो मैं और भी बनाऊँगा वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।